हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, कलर ऑफ गिवन व्हाइट लाइट। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था एक प्रिज्म था, जब हम उस पर व्हाइट लाइट पास करते थे तो क्योंकि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास था, दैट्स वाई जो व्हाइट लाइट है उसमें 7 कलर्स थे, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में प्रिज्म से क्या हो रहे थे, स्प्लिट टूट रहे थे, एंड देन स्क्रीन पर 7 कलर में हमें शो हो रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन, हम उनको वापस क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो हमने तोड़े थे कलर्स को उनको हम रिकॉम्बिने मतलब जोड़ सकते हैं ऑफ स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमने उसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा था। कलर टू गिव व्हाइट लाइट फर्दर सिंगल व्हाइट लाइट में, तो उस चीज को करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक प्रिज्म लिया पी क्यू आर, एक हमने दूसरा प्रिज्म लिया पी डैश क्यू डैश आर डैश। आप देखिए इसको हमने इस डायरेक्शन में रखा है, इसको हमने उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रखा, तो हमने देखा कि जब हमने यहां पर व्हाइट स्क्रीन शो करी तो हमने देखा जब हम व्हाइट लाइट पास करते हैं देन वो 7 कलर में टूटती है, देन फर्दर 7 कलर में यहां पर शो होती है, फिर इकट्ठी हो जाती है और फिर हमें इस स्क्रीन पर एक व्हाइट कलर में शो हो रही है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने दो प्रिज्म जो लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में लिए। देखिए द रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर प्रोड्यूस बाय फर्स्ट प्रिज्म इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सेकंड प्रिज्म हैज बीन प्लेस्ड इन रिवर्स पोजिशन, ठीक है, उसकी अपोजिट पोजिशन रिवर्स पोजिशन में हमने लिया, दैट्स व्हाई वो क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हो गया। कैसे, ड्यू टू विच द रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस बाय द सेकंड प्रिज्म, जो सेकंड प्रिज्म का जो रिफ्रैक्शन था वो क्या कर रहा है, इज इक्वल एंड अपोजिट टू द प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट प्रिज्म, इक्वल है जितना इसका था उतना इसका है बट अपोजिट, ये देखिए नीचे से आ रहा था ये अपवर्ड जा रहा है, अपोजिट है, इसलिए उन्होंने कहा इक्वल एंड अपोजिट टू द प्रोड्यूस बाय द फर्स्ट प्रिज्म, इसलिए वो जो यहां पर लाइट टूट गई थी वो यहां पर सारी क्या हो गई, कलेक्ट हो गई एंड रिकॉम्बिनेशन होकर वो स्क्रीन पर हमें नजर आ गई। रिपीट कर लियो, हमने क्या किया, जो हमारी व्हाइट लाइट एक प्रिज्म पर पड़ रही थी और रिफ्रैक्ट होकर जब वो बाहर आ रही थी तो 7 डिफरेंट कलर में वो क्या हो रही थी, टूट रही थी, जिसको हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट या स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहा था। अब हमने क्या किया, हमने पहला प्रिज्म लिया, उसका रिवर्स पोजीशन पे हमने दूसरा प्रिज्म रख दिया, तो जैसे ही हम लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई तो फर्दर जब दूसरे प्रिज्म में रिफ्रैक्शन की प्रोसेस हुई तो वो दोबारा से रिकलेक्ट हो गई और जब वो बाहर निकली तो एक सिंगल लाइट में वो व्हाइट लाइट में निकली। तो वो देखेंगे आप पहले प्रिज्म सेकंड प्रिज्म के पहले प्रिज्म से ये लाइट क्या है, इक्वल है, ठीक है, बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए कहा, ये देखिए अगर आप इसे ऊपर मिलाएंगे और इसे नीचे मिलाएंगे तो अभी कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, दैट्स व्हाई इसको इसने कहा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से हम इजीली रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव व्हाइट लाइट। नेक्स्ट है हमारा रेनबो, आप सबने रेनबो देखा होगा, सबको देख के बहुत खुशी होती है, और रेनबो हमें कब देखने को मिलता है, जब रेनफॉल हो रही होती है, जब बारिश हो रही होती है। आप ये समझिए कि सन आपके बैक में है, रेन आपके फ्रंट में है, ठीक है, तो हमने देखा बिल्कुल यहाँ पर जो रेन की एक एक ड्रॉप है वो प्रिज्म की तरह ही फंक्शन को शो करती है, क्योंकि ड्रॉप का भी शेप कैसा होता है, रेन की तरह होता है, दैट्स वाई हमने देखा कि जो व्हाइट लाइट सन की रेन की ड्रॉप्स में पड़ती हैं तो वो रिफ्रैक्ट होकर जब हमारी आई तक पहुंचती है तो 7 डिफरेंट कलर में वो भी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है और स्पेक्ट्रम को शो करती है। यहाँ पर भी रेड लाइट सबसे ऊपर एंड वायलेट लाइट सबसे नीचे बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड डिविजन ऑफ एंगल, ठीक है। देखिए किस तरह से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है सन हमारे बैक में होना चाहिए और वाटर ड्रॉप हमारे फ्रंट में होनी चाहिए, तो जब लाइट पास होगी उस ड्रॉप में तो आपको तक जो लाइट आएगी वो 7 डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपकी आंखों तक पहुंचेगी, जिसे आप रेनबो बोलते हैं। देखिए ये एक सन है, ये मैंने एक ड्रॉप बनाई है वाटर ड्रॉप, क्योंकि ड्रॉप एक प्रिज्म की तरह होती है, दैट्स व्हाई ये देखिए ये और ये क्या है, दोनों अपोजिट है, ठीक है ना, अपोजिट नहीं कहेंगे मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो पैरेलल नहीं है तो दैट्स व्हाई ये बिल्कुल किसकी तरह काम कर रही है, हमारे प्रिज्म की तरह ही काम कर रही है। ये एक व्हाइट लाइट जब गई, क्योंकि दो डिफरेंट मीडियम है, ये रियर मीडियम ये डेंसर मीडियम, क्योंकि वाटर है तो लाइट 7 कलर में क्या हो गई बिकॉज ऑफ स्पीड, ठीक है, प्रिज्म उसकी वाटर की स्पीड की वजह से तो वो क्या हो गई, टूट गई, देन रिफ्लेक्ट हुई, सेम मीडियम है दैट्स व्हाई वो यहां से टकराई और रिफ्लेक्ट हुई, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये वाली रेड लाइट थी, ये वॉयलेट,
तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ ये रेड, ये फर्दर वायलेट, ठीक है। एंड देन जब वो वापस रिफ्लेक्ट हुई तो हमारी आईज पर 7 डिफरेंट कलर में हमें वो नजर आई, जिसे हम रेनबो बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेनबो की फॉर्मेशन होती है। आप इस चीज को अगर सनी डे है तो भी उसे देख सकते हैं। आप क्या कीजिए, अपने आगे फाउंटेन के आगे आप खड़े हो जाइए और सन आपके बैक में होने चाहिए, तो आप उस फाउंटेन के अंदर तो जो ड्रॉपलेट वहां से वाटर के जा रहे हैं तो इजिली आप उस व्हाइट लाइट को देख सकते हैं। देखिए, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप इन द एटमोसफेयर। हम 7 कलर स्काई में देख सकते हैं कब, जब सनलाइट की जो लाइट है व्हाइट लाइट डिस्पर्स होती है, ये डिस्पर्शन करती है बाय द रेन ड्रॉप ऑफ द एटमोसफेयर, जो रेन ड्रॉप वहां एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। ईच रेन ड्रॉप एक्ट एज ए टाइनी ग्लास प्रिज्म स्प्लिटिंग द सनलाइट इनटू द स्पेक्ट्रम। तो ये भी उस सनलाइट को, वो जो सिंगल व्हाइट लाइट है उसको 7 कलर में क्या कर देती है, तोड़ देती है। दिस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय द रेन ड्रॉप इन द एटमोसफेयर इज सीन फ्रॉम द अर्थ, और वही रेनबो के फॉर्म में हमें अर्थ पर नजर आता है। रेड लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम अपीयर टू द टॉप ऑफ द रेनबो, रेड लाइट ऊपर, वेयर द वायलेट लाइट अपीयर टू इट्स बॉटम, नीचे। वी कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे, अगर किसी दिन बारिश नहीं भी हो रही है तो हम उसको सनलाइट में, मतलब सनी डे में भी देख सकते हैं। इफ वी लुक थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर, या तो आप वाटर को स्प्रे कर दो, या फ्रॉम अ फाउंटेन, जो या फाउंटेन के आगे खड़े हो जाओ, विद द सन बिहाइंड अस, और आपके सन क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, तो वॉटर ड्रॉप जो आपके आगे बह रही है, ड्रॉप हो रही है, फॉल हो रही है, तो सनलाइट की जो लाइट है उस वॉटर ड्रॉप की वजह से आपको वहां पर क्या नजर आएंगे, वो 7 डिस्पर्शन में आपको वहां पर नजर आएंगे, तो वो रेनबो को ही शो करेंगे। इस तरह से रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप, वापिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट को अगेन व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिंगल लाइट व्हाइट लाइट को डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मतलब वाटर रेन वाटर के थ्रू उसको आप रेनबो के फॉर्म में देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।